अभी हमारे बीच जदयू के नेता हैं दिव्यांशु भारद्वाज, और बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम उलट पुलट हो रहा है। अभी किस तरीके से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, नया विकल्प प्रशांत किशोर भी जन स्वराज को लेकर आ रहे हैं? नहीं, प्रशांत जी का लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे पूरे देश भर में अलग अलग लोगों के साथ, हमारे नेता के साथ भी वो काम किए, मोदी जी के साथ भी पूरे देश में काम किया। वो उन्होंने तय किया है कि वो अपना काम छोड़ करके लोगों के बीच में जा करके अपनी बात रख रहे हैं, बिहार की जनता को तय करना है। वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी तो बिहार में पूरी मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है, वो अपनी बात लोगों के बीच में रख रहे हैं। बिहार की जनता तय करेगी कि उनके साथ है या नहीं है आने वाले समय में। तो उन्होंने पार्टी भी नहीं बनाया, अभी लोगों के बीच में अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, चलाएं, शुभकामना है। अभी तो पूरे बिहार के अंदर में तो अभी एनडीए पूरी मजबूती से सरकार में है, नीतीश जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव का इन दिनों बयान आ रहा है कि एकदम थके हुए हारे हुए मुख्यमंत्री हैं, बार बार हमारे यहाँ समर्थन मांगने के लिए आ रहे थे, गिर गिरा रहे थे। अब तेजस्वी जी से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, बेचारे अब सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, राजनीति में सीधा आए, विधायक बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी जी का बिहार के गरीबों के प्रति, बिहार के लिए उन्होंने कब संघर्ष किया है, कब रोड पर लाठी खाया है, कब जिंदाबाद? तेजस्वी जी का क्या, तेजस्वी जी की पूंजी क्या है कि लालू जी के बेटा को छोड़कर कोई आ रहा है आपको पूंजी ध्यान में, दिमाग में? कभी रोड पर जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, कभी खून दिया, कभी ब्लड दिया, कभी आंदोलन किया, कभी कोई सड़क बनाने के लिए आवाज़ उठाई, कोई पूंजी तो है नहीं। वो माननीय आदरणीय जन नेता लालू जी के सुपुत्र होने के कारण, तो भाई इसी के खिलाफ ना लोकतंत्र है कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसी के खिलाफ ना राजतंत्र खत्म करके यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो तेजस्वी जी से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो तो नीतीश जी को उनको सुबह शाम आरती फोटो लगा करके और सुबह से शाम तक धूप अगरबत्ती महंगा वाला खरीद के दिखाना चाहिए कि उनकी वजह से राजनीति में एस्टेब्लिश्ड हो गए। राजनीति में आज उनके जो पार्टी के लोग हैं जो कुछ उनको जिंदाबाद कर रहे हैं, तो वो नीतीश जी की वजह से कर रहे हैं। तेजस्वी से इससे ज्यादा आप कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं। सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं और अपना नीतीश जी से और क्या बोलेंगे बेचारे, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक पर्सनल सवाल, इस बार मोतिहारी जो विधानसभा क्षेत्र है आपका, चुनाव लड़ने की आपकी पूरी चर्चा है, लड़ेंगे चुनाव इस बार? हम लोग फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर हैं, जब से हमने होश संभाला है तब से ना कोई नौकरी का तैयारी किया, हम लोग सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं, विद्यार्थी परिषद, पटना विश्वविद्यालय, छात्र संघ, युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, अभी पार्टी के प्रदेश कमेटी में काम करने का अवसर मिल रहा है। हम लोग फुल टाइम सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और मोतिहारी मेरा घर है, वहाँ भी हम लोगों के बीच में सुख दुख में 24 घंटा सक्रिय हैं। आने वाले समय में पार्टी निर्णय करेगी, वहाँ के लोग निर्णय करेंगे क्या करेंगे, लेकिन जहाँ अवसर मिलेगा सामाजिक जीवन में बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे सब निर्णय पार्टी को करना है, लोगों को करना है, हम लोग अपने लोगों के बीच में सक्रिय हैं। हमारे बीच अभी जो छात्र नेता है दिव्यांशु भारद्वाज जी थे, जदयू के नेता हैं और छात्र राजनीति से हैं, मोतिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात आ रही है और विभिन्न बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है।